पाकिस्तान खतरे में है, हमारा मुल्क खतरे में है। एक तरफ मुआशी बहरान है, दूसरी तरफ जमहूरी बहरान है, तीसरी तरफ तो हमारे पूरे मुआशरे में बहरान पैदा हो चुका है, और साथ साथ दो ही दहशतगर्द जिनको हमने कुर्बानियां दे के शहादतें कबूल करके शिकस्त दिलवाए थे, वो एक बार फिर सर उठा रहे हैं और एक बार फिर ये धरती आपको पुकार रही है, मुझे पुकार रही है कि मैं खतरे में हूं और इस मुल्क को सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही बचा सकती है। कायदे आवाम ने हमें रोटी कपड़ा और मकान का नारा दिया, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने अपनी आखिरी इंतखाबी मुहिम में इस नारा में इजाफा करके कहा कि मांग रहा है हर इंसान रोटी कपड़ा और मकान, इल्म सेहत सबको काम, दहशत से महफूज अवाम, ऊंचा हो जमहूर का नाम। और हमने यही नजरिया, यही जो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और कायदे आवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने हमें फलसफे दिए, इसी नजरिया के साथ हमने इस इलेक्शन के लिए इंतखाबी मंशूर पेश किया है और साथ साथ एक अवामी मुआशी मुआहिदा पेश किया है। हमारा 10 नुकाती अवामी मुआशी मुआहिदा गुरबत का भी मुकाबला करेगा, हमारा अवामी मुआशी मुआहिदा बेरोजगारी और महंगाई का मुकाबला करेगा, और हमारा अवामी मुआशी मुआहिदा पाकिस्तान के अवाम को रोटी कपड़ा मकान दिलवाएगा, इल्म सेहत सबको काम दिलवाएगा, दहशत से हमें महफूज करवाएगा और ऊंचा हमारा जमहूर का नाम करवाएगा। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही इस मुल्क को ना सिर्फ मुआशी बहरान से, मगर साथ साथ जो हमारा पूरे मुआशरे में एक बहरान पैदा हुआ है, हमारा जुनूनी निजाम में एक जो बहरान पैदा हुआ है नफरत और तकसीम की सियासत की वजह से, जाती इंतकाम की सियासत की वजह से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो नफरत और तकसीम की सियासत को इंशाअल्लाह ताला हमेशा के लिए दफन कर देगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात है जो इंशाअल्लाह ताला ट्रूथ और रेकंसिलिएशन कमीशन बना के पूरा मुल्क को एक करके इस मुल्क को आगे बढ़ाएगी, तरक्की याफ्ता मुल्क बनाएगी। इस मुल्क के अवाम का मसाइल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाअल्लाह ताला ही हल कर सकती है। हम वो वाहिद जमात है जो सब को साथ लेके चल सकते हैं, हमने ये माजी में भी दिखाया और एक बार फिर इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी के बाद हम एक बार फिर ये करके दिखाएंगे। जहां तक दहशतगर्दी का मसला है, ये बहुत जरूरी है कि हम इस मसला का आज मुकाबला करें। पाकिस्तान का हमेशा माजी में ये रवायत रहा है कि हम मुकाबला करने के बजाय हम बहाने बनाते हैं, और फिर जब दहशतगर्दी अरूज पे पहुंच जाते हैं, हमारे बच्चे को कत्ल कर देते हैं, तो फिर हम मजबूर करके इनका मुकाबला करते हैं। अब वक्त आ गया है कि हम फैसला करें कि पाकिस्तान में कोई गुड तालिबान या बैड तालिबान नहीं होगा, हम तमाम दहशतगर्दों का मुकाबला करेंगे, हम सिर्फ उन
उन लोगों को मान सकते हैं, उन लोगों को माफ कर सकते हैं जो पाकिस्तान का आईन को मानते हैं, जो कहते हैं कि ये जो कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का दिया हुआ इस्लामी जमहूरी वफाकी आईन है, इस आईन को हम मानते हैं, तो फिर हम उनसे उनको ये मान सकते हैं कि पाकिस्तान में अमन अमन के लिए सूरत हाल पैदा हो। लेकिन अगर कोई हमारा आईन को नहीं माने, अगर कोई हथियार उठाए मुल्क के खिलाफ, तो फिर इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान वो मुंह तोड़ जवाब देंगे जो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दिलवा सकती है। ने इस इलेक्शन में जो 8 फरवरी पे होने जा रहे हैं, पाकिस्तान में मुल्क भर में 8 फरवरी को इलेक्शंस हो रहे हैं, और एक जमात ने वो ही पुरानी अब सियासत अपनाई है, एक जमात ने वो पुरानी सियासत अपनाया है जिससे उन्होंने तौबा कर दिया था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन करते हुए, एक जमात ने अपना ही वोट का इज्जत का नारा भूल के वो ही पुरानी सियासत अपनाई है, और वो समझते हैं, वो समझते हैं कि वो आज से चौथी बार वजीर आजम बन चुके हैं। मैं आपसे पाकिस्तान के अवाम से अपील करता हूं कि ये इनका गलत फहमी है, ये इनकी गलत फहमी है, इनको ये समझ नहीं आता कि असल में ताकत का सर चश्मा अवाम है, ताकत का सर चश्मा अवाम है, ताकत का सर चश्मा अवाम है।